हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हमने ऑर्डर कर दिया है सिमटेक का LED इंडिकेटर बल्ब्स। तो अब हम ये अपनी बाइक में इंस्टॉल करने वाले हैं। बहुत सुना था इसके बारे में, काफ़ी लोगों ने इंस्टॉल करवाया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो हम अपनी जिक्सर SF250 में ये बल्ब्स इंस्टॉल करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, हरियाणा का ब्रांड है, गारंटी वारंटी मिलती है इसकी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती तो रिप्लेस करके देते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जिक्सर SF250 है उसमें क्रॉस पिन वाले इंडिकेटर बल्ब्स आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है फिटमेंट क्रॉस पिन BA15S और ओरिजिनल कॉस्ट इसका 1199 है। तो अभी सेल पे ये मेरे को अराउंड 697 रुपीज़ का मिल गया है। तो अभी फटाफट से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पे सील लगी हुई है, नीचे भी सील लगी हुई है। तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं अंदर कैसा है ये सिमटेक का बल्ब, एंड उसके बाद इंस्टॉल करते हैं इसको अपनी बाइक में। तो अब निकालते हैं अपना बल्ब को बाहर। तो ऐसा कुछ आता है बॉक्स के अंदर, नीचे से ये स्पॉन्ज लगा हुआ है, सामने ये वारंटी कार्ड है। इसके पहले वारंटी कार्ड देख लेते हैं। ऐसा कुछ आता है वारंटी कार्ड, सिमटेक की ब्रांडिंग है, आप देख सकते हैं सिमटेक का ओरिजिनल स्टैंप लगा हुआ है करनाल HR में। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये, 36 मंथ्स की वारंटी लेता है सिमटेक। एंड ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो इसको साइड में रखते हैं एंड अब देखते हैं बल्ब्स। सो ये है सिमटेक के LED बल्ब्स, काफ़ी ही प्रीमियम क्वालिटी है। मैं निकाल के दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप। बस सोल्डिंग की क्वालिटी देखने से ही पता लग रही है, बहुत ही प्रीमियम है। और 360 में इसके LED के बल्ब्स लगे हुए हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हर जगह पे सिमटेक की ब्रांडिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको थोड़ा क्लोज ला के दिखाता हूँ। ऊपर नीचे सिमटेक की ब्रांडिंग है एंड सोल्डिंग देख सकते हैं आप। बाकियों में जैसे इतनी खराब सोल्डिंग होती है, वो ख़राब हो जाते हैं, निकल जाती है, बट इसमें काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है K, और इससे भी अगर नहीं पता चलता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्रॉस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग हो रखी है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिमटेक एंड उसके नीचे लिखा है 12 वोल्ट्स, 3 वाट का एक ये जो इंडिकेटर है ये 3 वाट का है, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस पिन। तो मैं आपको बार बार बताना चाहूँगा कि जिक्सर SF250 के लिए अगर आप ले रहे हैं तो आपको क्रॉस पिन वाला लेना पड़ेगा। क्रॉस पिन में थोड़ा सा ये जो फ़र्क होता है ना, ये पिन्स का फ़र्क होता है। तो अभी अनबॉक्सिंग हमने देख ली है, अब फटाफट से चलते हैं बाइक के पास। एंड पहले आपको पुराने इंडिकेटर्स का रिस्पांस दिखाता हूँ एंड उसके बाद हम अपने इस इंडिकेटर्स को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करना बहुत इजी है, चलते हैं बाइक के पास एंड फिर इंस्टॉल करके आपको रिस्पांस दिखाते हैं। फाइनली जो है हमारी सिमटेक की जो लाइट्स हैं वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। अभी आपको रिस्पांस दिखाता हूँ। ये भी आप देख सकते हैं भाई, क्या ही रोशनी है ना इनकी। सो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। अभी ये रोशनी देख के तो इतना मज़ा आ रहा है, रोड ट्रिप्स पे आने वाला है, बहुत ही मज़ा, बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी होने वाली है। तो आई एम श्योर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे एंड अपने जिक्सर वाले दोस्तों को शेयर करेंगे। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राइड सेफ एंड बाय बाय।